सन 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या की नई रूपरेखा बनाने के सिलसिले में काम और शिक्षा विषय पर एनसीईआरटी ने आपकी अध्यक्षता में जिस राष्ट्रीय फोकस ग्रुप का गठन किया उसके बारे में बताइए। एनसीईआरटी ने हम लोगों को ये मौका दिया कि आप काम और शिक्षा के रिश्ते के ऊपर, वर्क एंड एजुकेशन के रिश्ते के ऊपर एक राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाइए और मुझे उसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। और उसमें कोई 15-16 लोग देश भर से, उसमें शिलोंग मेघालय के भी लोग हैं, तमिलनाडु के भी लोग हैं, देश भर गुजरात के भी हैं, तो देश भर से लोगों को, अच्छे लोगों को बटोरा। और हम लोगों ने कोई 8 महीने उस पर बड़ा विचार किया, देश भर में घूमे हम लोग, कई इलाकों में गए जहाँ ये काम हो रहा है, विज्ञान आश्रम के पास भी गए, उनसे भी सीखा और इन सब से सीख कर 100 पेज की रिपोर्ट तैयार करी। और उस रिपोर्ट में हम लोगों ने 2 चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ किया है। एक तो ये कि हमारी स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में 10वीं कक्षा तक और जब जरूरत हो तो उससे आगे 2 साल और 12वीं कक्षा तक सब बच्चों को ऐसी शिक्षा कैसे मिले जिसमें उत्पादक काम शिक्षा के केंद्र में हो और उत्पादक काम से ज्ञान निकले। तो हमने इस बात को कहा है कि उत्पादक काम के आधार पर एक नई पाठ्यचर्या की कल्पना करनी है, तो उसमें जेनेरिक कॉम्पिटेंसी की जो अवधारणा है एक केंद्रीय अवधारणा होगी कि हम जब किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम केवल उसको एक खास चीज का कौशल सिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम उसको इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आज दुनिया में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, तो उसको जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो बेकार नहीं हो जाएगा, उसके बाद ये क्षमता होगी कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी में अपने को दोबारा ढाल लें, वो बेकार नहीं हो जाएगा। ऐसी जेनेरिक कॉम्पिटेंसी की शिक्षा हमें विकसित करनी, आसान नहीं है पर ये नई चुनौती हिंदुस्तान के सामने है, इस चुनौती को हमें जल्दी स्वीकारना चाहिए। पर हमने इसके साथ ये बात को भी समझा, जब कोई बच्चा उत्पादक काम को ज्ञान से जोड़कर देखता है तो कोई जरूरी नहीं उस काम के सारे कौशल हासिल करने, कुछ कौशल हासिल करेगा पर उसमें हुनरमंद होने के लिए, उसमें विशेषज्ञ होने के लिए उसको और ज़्यादा अभ्यास की और ज़्यादा समय की ज़रूरत है, जो स्कूल में नहीं संभव होगा क्योंकि हमें तो ज्ञानी बनाना है बच्चे को, उसको सारे विषयों का ज्ञानी बनाना है। तो इस काम के लिए स्कूल के तंत्र के बाहर भारत सरकार और निजी संस्थान जुड़कर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा का एक तंत्र खड़ा करें, राज्य सरकारें उसमें हिस्सा लेंगी, जो व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन का बहुत बड़ा तंत्र। और हमने ये अनुशंसा की है कि अब हर ब्लॉक के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक केंद्र होना चाहिए, यानी हर विकास प्रखंड डेवलपमेंट ब्लॉक के स्तर पर, एक जिले में ऐसे 10 या 12 खुल सकते हैं, 15 भी खुल सकते हैं। ये पहली पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से शुरू होगी ये काम शुरू हो जाना चाहिए। और अगली पंचवर्षीय योजना में ये ब्लॉक से आगे बढ़कर गाँव के समूह तक जाए, 15-20 गाँव का समूह, वहाँ पर एक छोटा केंद्र व्यावसायिक शिक्षा का हो, ये हमने पूरी कल्पना पेश करी है। यानी व्यावसायिक शिक्षा केवल आईटीआई में या पॉलिटेक्निक में सीमित न रह जाए, बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो। अगर किसी, मान लीजिए समुद्र तट पे, तमिलनाडु के समुद्र तट पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको लगता है कि मछली पालन के नए तरीके उनको सीखने हैं, मछली पालन की बहुत सारी बातें होती हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं संभव होती हैं, उनको पुरानी टेक्नोलॉजी भी सीखनी है और नई भी सीखनी है, उनको अच्छे मछली के पकड़ने के जाल बनाना सीखना है, नई सामग्री आ गई है दुनिया में, नए मटेरियल से मछली के जाल बनाना सीखना है, ये सारे कहाँ सीखेंगे? स्कूल में तो थोड़ा बहुत भान हो सकता है, तमिलनाडु के तट पर जो स्कूल है वहाँ थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हुनरमंद बनने के लिए मछली पालन का एक पूरा व्यावसायिक शिक्षण का प्रोग्राम होगा जो गाँव के ही लेवल पर कहीं आसपास उपलब्ध होगा, वहाँ बच्चे जाके उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, विशेषज्ञ बनेंगे, ये कल्पना पेश करी है। वोकेशनल एजुकेशन की बिल्कुल नई कल्पना, वोकेशनल एजुकेशन की ऐसी कल्पना हिंदुस्तान में उतारी नहीं गई है धरातल पे। तो अगर आपको जीविका उपार्जन के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए हुनरमंद बनना है तो वोकेशनल एजुकेशन में जाइए, अगर आपको उत्पादक काम से ज्ञान आधारित पाठ्यचर्या में 10वीं और 12वीं पास करनी है, जो आम 10वीं 12वीं होगी, इसके अलावा कोई और पाठ्यचर्या नहीं होगी, यही पाठ्यचर्या होगी,
वो करना है, दसवीं का सर्टिफिकेट चाहिए, बारहवीं का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको उच्च शिक्षा में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजमेंट की शिक्षा में जाना है, तो आपके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है बारहवीं में प्रमाण पत्र लेके आगे बढ़ने का। पर ये शिक्षा आपको उत्पादक काम में अनुभव देगी, उत्पादक काम से ज्ञान निकालने का अनुभव देगी, आपको ज्ञानी बनाएगी, पर इसका रास्ता बिल्कुल अलग होगा। ये हमारी रिपोर्ट का सार है।